फ्रेंड, वेलकम टू इट्स माय ओपिनियन ऑन मूवीज, शोज एंड वेब सीरीज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के ट्रेलर के बारे में। बेसिकली इस ट्रेलर में हमने देखा बहुत अच्छे अच्छे VFX हैं, हॉलीवुड लेवल के VFX हैं। स्टोरी तो अब कुछ समझ ही में नहीं आया, बिकॉज स्टोरी रिवील नहीं किया गया। ये डायरेक्टर आर्यन मुखर्जी ने बहुत अच्छा किया है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टार कास्ट है, अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, नागार्जुन सर और शाहरुख खान का भी कैमियो होने वाला है मूवी में। तो बेसिकली इस ट्रेलर में VFX पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है और स्टोरी भी देखकर अच्छी लग रही है। मुनी रॉय इस मूवी में विलन जैसा किरदार निभा रही है और कलर ग्रीडिंग आप लोग देखो तो जो अच्छे अच्छे सेवियर्स हैं इस ट्रेलर में उन्हें दिया गया ब्लू रंग, और जो विलन से लाइक मुनी रॉय उन्हें दिया गया है रेड कलर, और जो रणवीर कपूर हैं इस मूवी के लीड तो उन्हें रेड प्लस ब्लू कलर दिया गया है। तो यही है ट्रेलर में। ट्रेलर एक बहुत अच्छा लग रहा ट्रेलर इस मूवी का, और मैंने देखा जब ट्रेलर तो बहुत अच्छे तरह से काटा गया है। कुछ भी स्टोरी में रिवील नहीं किया गया स्टोरी में कुछ भी। और बेसिकली ये ट्रेलर बहुत अच्छा, और सबसे बढ़िया चीज़ इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक देख लो, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है। थोड़े बहुत मुझे पता नहीं क्यों लग रहे हैं डायलॉग्स थोड़े बहुत वीक लग रहे हैं इस मूवी में। डायलॉग्स पर कुछ ज़्यादा अच्छे से काम नहीं किया गया है। आप देख लो जैसे अमिताभ बच्चन भी जब ब्रह्मास्त्र के बारे में डीप बता रहे थे तो उसमें भी ज़्यादा कुछ उन्होंने अच्छा से वो नहीं क्रिएट कर पाए। बेसिकली इस मूवी का डायलॉग अच्छा नहीं है। VFX तो इस मूवी का ताबड़तोड़ होने वाला है, बॉलीवुड का गेम चेंजर होने वाला है ब्रह्मास्त्र, और मैं इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 1-1.5 साल से इस मूवी की अनाउंसमेंट हो चुकी है, 6-6, 7-7 टीजर रिलीज हो गए हैं। फाइनली अब जाके इसका फाइनल आउटपुट निकल के आया है। 9 सितंबर को इसका इस मूवी का रिलीज डेट है, और मैं तो इस मूवी को देखने जाऊंगा क्योंकि यार ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल सिनेमा होने वाला है, और आर्यन मुखर्जी ने बहुत अच्छी मेहनत की है इस मूवी में। तो और एक्टिंग के बारे में बता ही नहीं सकते क्योंकि हर एक स्टार कास्ट बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। इस मूवी को देखना ही चाहिए यार, बॉलीवुड एक तो अच्छी मूवी निकालता नहीं है और आ रही है तो यार देखनी चाहिए हम लोगों को। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।